राजस्थान के अलवर का बानसूर विधानसभा क्षेत्र कई मायनों में कांग्रेस और भाजपा के लिए अहम है। इस सीट से मौजूदा वक्त में कांग्रेस की शकुंतला रावत विधायक है। शकुंतला रावत मौजूदा वक्त में गहलोत मंत्रिमंडल में औद्योगिक मंत्रालय जैसा अहम जिम्मा संभाल रही है। वहीं भाजपा से निष्कासित रोहिताश शर्मा और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश यादव ने इस सीट को दिलचस्प बना रखा है। बानसूर विधानसभा क्षेत्र से सबसे ज्यादा जीत का रिकॉर्ड बानसूर के पहले विधायक बद्री प्रसाद शर्मा के नाम है। बद्री प्रसाद शर्मा ने पहला चुनाव 1951 में लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद 1957, 1965 का उपचुनाव, 1967, 1972 और 1980 में भी विधायक चुने गए। इसके बाद तीन बार जीत का रिकॉर्ड जगत सिंह दायमा और रोहिताश शर्मा के नाम रहा है। वहीं सीट से मौजूदा विधायक शकुंतला रावत मोदी लहर में भी जीतने में कामयाब रही थी। वहीं अगर जातिगत समीकरणों की बात करें तो बानसूर विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी आबादी गुर्जर समुदाय की है, जबकि इसके बाद यादव और राजपूत मतदाताओं की संख्या अत्यधिक है। इस सीट पर जीत और हार प्रमुख तौर पर यही तीन जातियां तय करती है। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से 15 दावेदार सामने आए हैं। हालांकि इसमें सबसे मजबूत दावेदार यहां से मौजूदा विधायक शकुंतला रावत है। वहीं बीजेपी में भी टिकट दावेदारों की एक लंबी फहरिस्त है। पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़ चुके देवी सिंह शेखावत भी भाजपा से टिकट मांग रहे हैं। तो वहीं अगर पार्टी से निष्कासित पूर्व मंत्री रोहिताश शर्मा की पार्टी में वापसी होती है तो वो भी एक मजबूत दावेदार साबित होंगे। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश यादव भी एक बार फिर चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयार हैं।